जो हुड्डा साहब ने 10 साल निकाले, ऊपर सरकार नीचे सरकार थी, सरकारों में जितनी भी सरकार आती है भ्रष्टाचार का नाम तो लेती है, लेकिन भ्रष्टाचार गरीबों के लिए और वाल्मीकि के लिए बिल्कुल खत्म नहीं होता। कर्मचारी यूनियन रोहतक का आज ये हड़ताल का 15वां दिन है। आज इनकी हड़ताल को समर्थन देने आए हैं मोहित धन्वंतरी, जो शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इनकी मांगों के लिए क्या कुछ करेंगे। तो मोहित जी, आप बताइए कि आप इनकी मांगों के लिए, इनके जो समस्याएं हैं उनके लिए क्या करेंगे और कहां पर आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जब से ये 5 साल में, जो 5 साल हुए हैं सरकार बनी है, तब से कर्मचारी भाइयों के साथ शोषण हो रहा है। उनको डीसी रेट पर दिखा करके कि हम आपको डीसी रेट पर जो है आपको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन उसके बाद पीएफ काटने के नाम पर इनको जो है इनको बेवकूफ़ बनाया गया, बरगलाया गया है। और उनके हाथ में जो है 13,000 को दिखा करके केवल 8600 रुपये इनके हाथ में आते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पिछले महीने भी कितने हमारे 4 कर्मचारी भाइयों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार कहती है कि एक हादसा था, मैं कहता हूँ वो हादसा नहीं, वो एक हत्या थी। जो सरकार में बैठे हुए नगर निगम के लोग जो हैं, यहाँ के जो हैं विधायक जो हैं, यहाँ के मेयर साहब हैं, ये सारे मिले हुए हैं उसके अंदर। भाई, ये कर्मचारी भाई जो हैं ये सारे नगर निगम और ये मेयर साहब के अंडर आते हैं। मैं आज जानना चाहता हूँ कि कहाँ है वो मेयर साहब जो आज जो ये है ये कर्मचारी भाइयों का साथ देने की बात करते थे, और कहाँ है आज? आज एक बार भी उनसे मिलने के लिए नहीं आए। 5 दिन से मेरे भाई जो हैं ये भूख हड़ताल में बैठे हैं, 15 दिन से यहाँ पे ये हड़ताल में बैठे हैं, क्यों नहीं ये काम कर रहे? मैं समझता हूँ कि ये एक जो है अंधी और बहरी सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, लोग हैं जो नेता बैठे हुए हैं, वो केवल इन लोगों के ऊपर जो है कर्मचारी भाइयों के ऊपर राजनीति करना जानते हैं, इनके ऊपर इनकी समस्याओं को समाधान करना नहीं जानते। और मैं चाहता हूँ कि भाई, मैं इनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ आया हूँ और मेरा पूरा समर्थन इन भाइयों के साथ है, और ये भाई भी जो है मेरा समर्थन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा परिवार जो मेरे साथ, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं रोहतक शहर में, सारे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, उनका समर्थन मिल रहा है और मैं भी इनके समर्थन में हूँ। इनकी एक बात बताइए कि 4.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और 10 साल उसने यहाँ पर राज किया जी, तो उन्होंने उनकी समस्याओं के लिए क्या किया? देखिए, ना तो मैं यहाँ कांग्रेस की बात करने आया हूँ और ना ही कांग्रेस ने मुझे यहाँ भेजा। आपने पिछले 5 साल का है ना? बिल्कुल, 5 साल में अगर आप मुझे उठा करके देख लीजिए कि 5 साल में जितने हादसे हुए हैं यहाँ पे कर्मचारी भाइयों के साथ, मैं समझता हूँ उससे पहले कभी भी नहीं हुए। उससे पहले अगर कांग्रेस की सरकार की बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी टैंक्स प्रोवाइड किए जाते थे, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे। आप उनके शासन काल में उठा करके देख लीजिए कितने कर्मचारी भाइयों के साथ शोषण। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि उस समय जो भी पैसा मिलता था उसका आज जो है 18 गुना पैसा ये नगर निगम वाले लेते हैं, लेकिन फिर भी कैसे नहीं मिलता था? सभी जो दल आए हैं, जो हुड्डा साहब ने 10 साल निकाले, ऊपर सरकार नीचे सरकार थी, सरकारों में जितनी भी सरकार आती है भ्रष्टाचार का नाम तो लेती है, लेकिन भ्रष्टाचार गरीबों के लिए और वाल्मीकि के लिए बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। जो वाल्मीकि समाज है, पहले भी 2000 कुछ से ये मिस्टोल पे थे, महकमे के थ्रू थे, मिलकर हुड्डा सरकार के लोगों ने, ठेकेदारों ने मिलकर इनको ठेकेदारी में ले लिया गया। और अब अंधी बहरी सरकारें जो अब फिलहाल में है, ये भी उससे भी ज़्यादा शोषण कर रही है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सफाई कर्मचारी ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। दिल तो जीत लिया, लेकिन इनका दिल और इनके बच्चे बाग बाग रो रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी कहीं भी अगर मेरी आवाज़ को सुने, या निकाय जो हमारे मनीष ग्रोवर जी है ये भी सुने, क्या ठेकेदारी रहेगी? ये गरीब पड़ेगा कहाँ से, आगे बढ़ेगा कहाँ से? ये 10,000 के अंदर सारा इनका पीएफ कट जाता, 8,000 कुछ तनख्वाह दी जाती है, क्या गरीब का बच्चा स्कूल में जा पाएगा? क्या ये सरकारों की यही पॉलिसी रहेगी कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक? हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसा रहा तो ये गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर रह जाएगा। गरीब को बैठने की जगह नहीं है, इनको ग्लोव नहीं मिलते, इनको सेफ्टी टैंक के लिए गैस का सिलेंडर नहीं मिलता, वैसे उतार दिए जाते हैं, दबाव होता है ठेकेदारों का। सभी सरकार भ्रष्टाचार में लिपित है। ये जो कहते थे भाई हम स्वच्छ भारत, स्वच्छ सरकार ये लेके आएंगे, वो करेंगे, पारदर्शी, कहाँ पारदर्शी है? अभी जो चंडीगढ़ से कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए मनीष ग्रोवर ने और इन्होंने मिलके,
आज भी साबुत है हमारे पास, जो कि पेपर दो दो महीने पहले कराए गए और लगाए गए मेडिकल के अंदर, और क्या इन्हीं लोगों को सारी उम्र, इन बाल्मीकियों को ठेकेदारी या ठेका प्रथा या लोगों के गुलाम रखेंगे? ये सभी सरकारों की बात है। हुड्डा जी आए, 10 साल CM रहे, ऊपर इनकी सरकार थी, मनमोहन जी चुप रहे, लेकिन आज जो लोग भागे हुए हैं, दौड़े हुए हैं हर एक सरकार की तरफ, या आने वाली सरकार है, देखेंगे सरकार तो किसी की रही नहीं है, सरकार किसी की चलती नहीं, टाइम टाइम पे सरकारें बदलती रहती है और सारे काम होते रहते हैं, लेकिन इस वाल्मीकि समाज ने एक चुनौती कर ली है कि सरकार वही अच्छी होती जो गरीब का भला करती है।